दोस्तों, आज मैं बहुत दुखी और सैड हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चंद देश के विरोधी लोग हमारे देश को बांटना चाहते हैं। क्या वो कामयाब होंगे? क्या वो हमारे देश को तोड़ पाएंगे? आज मोदी जी ने नागरिकता कानून को लाके देश का सर ऊंचा किया है। मोदी जी देश के लिए कितना काम कर रहे हैं, मुझे गर्व है हमारे मोदी जी पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर पर, कि बहुत अच्छा कानून ला रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि कुछ गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग अगर दूसरे देशों में घुस जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होती है, लेकिन ऐसे ही गैर कानूनी लोग हमारे देश में घुस के बैठे हुए हैं, अगर उनके लिए कोई कानून निकाला जा रहा है या गैर कानूनी लोगों को निकाला जा रहा है, तो इसमें मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं आप बताइए। अगर हम घर में रहते हैं, अगर हमारे घर में कोई घुस जाए तो क्या हम उनको हमारे घर में रहने देंगे? उनको ये कहेंगे कि भाई हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं और आप हमारे घर में रहो? हमारे मोदी जी सही काम कर रहे हैं कानून लाकर। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारी एक्ट्रेस, जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं, दीपिका को इस देश ने उसे प्यार दिया, शोहरत दी, भारत ने क्या क्या नहीं दिया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जेएनयू के लोगों को, छात्रों को। क्यों आप लोग भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? भारत आपकी माता है, कोई अपनी मां के टुकड़े करता है क्या? कोई हमारी मां के टुकड़े करता है क्या? और आप भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? क्या कोई मिठाई का टुकड़ा है जो आप टुकड़े करना चाहते हो, भारत के टुकड़े? क्या हम लोग ऐसे मुंह देखते रहेंगे और आपस में अंदर छात्रों को पता नहीं कोई हमारे देश के विरोधी है, वो मार रहे हैं छात्रों को? और वो लोग, दीपिका एक बहुत सुलझी हुई अभिनेत्री है, वो अपनी फिल्म के लिए, फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां गई थी, लेकिन पीछे से नारे लगाए गए। इसमें दीपिका को कोई कसूर नहीं। मैं बहुत दुखी हूं कि वहां से सब लोग भारत के टुकड़े हो ऐसे नारे लगाते हैं। ये सुनने से पहले हमारे कान क्यों नहीं फट गए? भारत को कोई अलग नहीं कर सकता, हमारे भारत को कोई टुकड़े नहीं कर सकता, और जो भी भारत के टुकड़े करना चाहेगा उनके खुद के टुकड़े हो जाएंगे। ईश्वर, परमेश्वर उन्हें माफ नहीं करेगा। जिस देश में तुम खाते हो, जिस देश का नमक खाया, जिस देश में पैदा हुए, उसके टुकड़े करना चाहते हो? नहीं, हम देश के नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।